क्या बात है, बहुत खिली भी आवाज है, बहुत हंसले हो। तू रुला दे मेरे को हंसता वाली देख सकती तू। मैं जुम्मे तो जुम्मे हंसता हूँ, वो भी तेरे को मंजूर नहीं है। तेरे को मंजूर है? इसीलिए तो मेरा नाम मंजूर है। वाइफ में लड़ने वाली कौन सी बात है, अम्मा ने कुछ पूछा ही तो है आपसे। जैसे आजरा तेरे को एक बात बताऊँ, ये जो अपना ऊपर किराया छोकरा है ना, देखने आई थी छोकरे को। अच्छा, ये दूसरी शादी करना चाह रही। लॉटरी लग गई थी। और उसकी प्लानिंग यही थी कि दूसरी शादी करेगा। मैंने सारा प्लान उनका फेल कर दिया। अच्छा, क्या हाँ बका, हमारे घर में झगड़ा हो जाता। मालूम मैंने क्या किया? हाँ, मैंने लड़की के माँ बाप को बता दिया, पहले से शादी शुदा। मैं क्या चीज हूँ। जुलेखा जी। अब्बा बेटा, ये अम्मा की जुल्फों को छोड़ जाके मेरे को गरम गरम चाय ला दीजिए। अब्बा मैं भी चाय। हम लोग क्या रोड़ी सरकार से बोल गए? बेडरूम में कैसे चिल्ला रहा तू चाय चाय? यार जैसे एक बात बता, बसीर तेरे को कैसे मेरे दिल की बात लगी कि मैं चाय पीना चाहता हूँ? मैं तो आज अल्लाह से कुछ और मांगता, वो भी मेरे को मिल जाए। मतलब चाय दे चाय दे, तेरे को क्यों बताओ मेरे दिल में क्या था? पैसा मांग लेते तो मैं तनख्वाह नहीं मिल जाती। यार एक बात, तू मेरे को बहुत नीच लगता है जब तू मेरे से तनख्वाह मांगता है। बेटा ये शरीफों के काम नहीं है हर महीने तनख्वाह मांगना, ये इज्जतदार लोगों का काम नहीं है तनख्वाह मांगना। भिखारी लगता है आदमी है तो हर महीना खड़ा हो जाता, लाओ मेरी तनख्वाह दो। तेरे को तनख्वाह मांगने के अलावा कोई और काम नहीं है क्या? इस घर में काम के अलावा और है क्या? तनख्वाह नहीं दे रहे छुट्टी दे दे। अगर आईंदा तूने छुट्टी की बात की ना तो मैं पैसे तेरी तनख्वाह से काटूंगा। बताओ मेरे से हर वक्त छुट्टी की बात करते है, ये कौम कैसे तरक्की करेगी? या अल्लाह, एक हफ्ते में तीन तीन चार चार छुट्टियां। तेरे को मुबारक हो, मैंने फैसला कर लिया है। क्या? कि मैं तेरे को नौकरी से निकाल रहा हूँ। छोड़ो मैं इन बातों को, चाय पियो, ठंडी हो रही है। पी रहा हूँ पी रहा हूँ। कभी भी तेरे मुंह से मैंने आराम से कोई अल्फाज नहीं सुने, मेरी तमन्ना रही। अच्छा चाय पियो जल्दी। हर वक्त देखो इतनी शक्कर। शक्कर किधर है जुलेखा के? अब मेरे को तो फीकी लग रही है। अरे तू तो खुद फीकी है ना, 5 किलो चीनी अगर मैं कप में डाल के तेरे को दे दूंगा तो तभी भी मेरे को बोलेगी ये फीकी है फीकी है। अगर आज के बाद तूने एक दाना भी चीनी का चाय में ज्यादा डाला नहीं है तो मैं तनख्वाह से तेरी काट लूंगा। तनख्वाह देते कौन सी है, काट लोगे? अरे जो आदमी इतना ढीठ हो तनख्वाह नहीं देता हो, अगर मैं तनख्वाह नहीं काट सकता तो मैं तेरी जान काट दूंगा। क्या हो गया? ये मेरा जूता दे दो। कौन सा जूता? हाँ तो क्या है, तेरा है ना? तू मेरे को दिया था ना? हाँ तो तेरे को शर्म नहीं लगी? तू इस्तेमाल किया वो पुराना जूता पहनेगा? जब मैंने लिया तो नया था ये। अरे तो तू एक काम करना, तू जा बाजार एक नया जूता और लेके आ, वो तू मेरे को गिफ्ट कर, मैं तेरे को ये प्रेजेंट कर दूंगा। अरे जाहिल आदमी मैट्रिक कर लेता तो तेरे को पता होता माफिया क्या है। माफिया दिस इज इकोनॉमी। कासिम जरा जोर जोर से पढ़ो, मुझे भी तो पता चले कि आखिर तुम याद क्या कर रहे हो। अच्छा आपा सुलेखा, वो देखो छत पर उल्लू बोला। सुलेखा बक बक ना कर, बस अब चल दे। सुलेखा कौआ काए काए करता है। सुलेखा जी जरा ऊपर आइएगा प्लीज। अच्छा बक बक न कर छत पर न जा। आ जाइए सुलेखा। आपने मुझे बुलाया? जी सॉरी, मैंने आपको तकलीफ दी।
दरअसल मुझे आपसे कुछ कहना था। जी फरमाइए। आई मीन कि घर को एक औरत या एक लड़की से अच्छा तो कोई नहीं संवार सकता, इसलिए मैंने आपको जहमत दी मेरा घर संवार दी। जी मेरा मतलब ये है कि घर तो आपका ही है, मैं तो किराएदार हूँ और ऑफिस जा रहा हूँ, अगर थोड़ी सी तरतीब कर दें तो ये घर एक फैमिली का घर लगेगा। आप अपनी मिसेस को मना के क्यों नहीं आते? सर मनाना आसान नहीं है और मैं इस मुश्किल में भी नहीं पड़ना चाहता, शायद मैं गलती कर बैठा हूँ। जी हाँ, मुझे इस औरत से शादी नहीं करनी चाहिए। तो ये सब बातें हम मुझसे क्यों करें? आई एम सॉरी, छोड़िए। ठीक है, आप ऑफिस जाएं, मैं भी जाने किसी वक्त आके घर की सफाई करूं। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत जी, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, बड़ा आशीष, थैंक यू। लगता है फैमिली पे कुछ सोचना पड़ेगा, लेकिन मंजूर अहमद दाना वाला से निपटना भी एक जंग जीतने के था। लेकिन तो ऐसा तुम्हारी खातिर मुझे जंग लड़ना पड़ेगा। मंजूर छोकरी घर में बैठे बैठे बुढ़ी हो जाएगी। छोकरी घर में बैठे बैठे बुढ़ी हो जाएगी। मैं अपनी फूल जैसी बेटी का तेरे फटीचर भाई के फटीचर छोकरे के हाथ में दे दूं, तू उसकी आदत नहीं जानती है? क्या खराबी है उसमें? क्या खराबी है? अरे आपकी मार्केट जानती है, सारे घरवाले जानते हैं, मैं जानता हूँ, तू जानती है, लेकिन तू मानेगी तो ही। क्या खराबी है मेरे भाई के छोकरे सत्तार में? अरे जा जा, दो नंबर के काम करता है, हेरा फेरी करता है। इल्जाम नहीं लगाने का, ये सारे काम तो तू खुद भी करते। हाँ तो तेरे माँ बाप अंधे थे जो उन्होंने रिश्ता कर दिया मेरे साथ में? मेरे जैसा तेरे को घर वाला मिला है, इतना ख्याल रखता हो तेरा, तभी तो तू इस घर में ऐश कर रही है। ऐश कर रही है, बहुत मजे है इधर, हर चीज पे, हर पैसे पे झगड़ा है, एक एक दाने पे फड्डा है। टीवी नहीं देखो, पानी नहीं पियो, चाय नहीं पियो, बिजली नहीं खर्चो, ये घर है के जेल खाना है मेरे। क्या समझेगी? ये जो मैं बचत करता हूँ ना, ये जो मैं बचत करता हूँ, ये खाली किफायत सारी के लिए बचत करता हूँ। अरे आजकल कितनी महंगाई हो गई है। अरे इंसान को कुछ बनाना है, अगर कुछ बनाना है तो कुछ बचाना है। ये बचाने से घर भी चलेगा, मुल्क भी चलेगा, लेकिन इस तरफ कोई भी नहीं सोचता है। लेकिन तेरे समझ में बात थोड़ी आएगी, तेरा मत्ता है ही नहीं। बस बस झगड़ा खत्म करो। अरे चल चल, झगड़ा कुछ शुरू करती है, मेरा मत्ता घुमाती है, फिर बोलती है झगड़ा खत्म करो। बस बस मेरा मत्ता घूमेला घूमेला नहीं है, तेरा मत्ता जो है ना फिरेला है, फिरेला। मैं कह रही हूँ बस कर दो जुलेखा के अब्बा। तुझे नहीं बस करूंगा तो क्या करेगी तू? ये अपनी जान दे दूं। ये खबरदार, अगर तूने अपनी जान किसी को फोकट में दी तो। ये जान पे भी बिजनेस करते थे तो आदमी को वही करना चाहिए ना जिसमें चार पैसे का फायदा हो। मंजूर साहब हम घर जाएंगे। अरे यार भाई, बात यह है कि आप अपने बेटे से मिलने के लिए आए हो, अभी इतनी जल्दी क्या है? कुछ देखो, रोटी पानी खाओ, फिर जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हम खाना अपने घर पर ही खाते हैं। अरे बहन, आप तो ऐसे नाराज हो रही हो जैसे मैं जबरदस्ती आप लोगों के हाथ पैर बांध के जबरदस्ती आपके मुंह में निवाला डाल रहा हूँ। अरे भाई, मेरे कहने का मतलब ये, जब आप इतनी दूर से आए हो, छोकरे से मिलने आए हो, तो अभी ऑफिस में, ऑफिस से इधर आएगा, उससे मिलना, मेल मुलाकात करके जाना तो अच्छी बात है ना? जी नहीं, अब हमें कोई ख्वाहिश नहीं उस नाफरमान से मिलने की। चले जी। अरे आप तो ऐसे नाराज हो रही हो जैसे उसने कोई गलत काम कर लिया। भाई शादी करना कोई गुनाह थोड़ी है, ये बात ठीक है कि उसने अपनी पसंद की शादी की है? अच्छा मंजूर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए। मेहरबानी, ऐसे नाराज हो गए तो पता नहीं छोकरे में कोई इतनी नाराजगी तो अच्छी नहीं होती है। भाई छोकरे ने अपनी पसंद से शादी की है, इसमें कौन सी नाराजगी की बात है? मंजूर कौन? हाँ जमीन का बोलो। एक बात सुन, अगर ये तेरा छोकरा तेरी मर्जी के खिलाफ अगर शादी कर लेता तो जमीर तेरे को बोलता हूँ, मेरा नाम मंजूर है, अगर मेरा छोकरा मेरी मर्जी के बगैर शादी करता मैं इसकी टांग तोड़ दूँ। बेटा जो पुरानी चीज होती है ना, मैं उसको तोड़ देता हूँ।
पुरानी टेबल की टांग टूटी, तेरी पुरानी टांग तोड़ूंगा और भी इस घर में कुछ पुरानी चीजें जिनको तोड़ दूंगा। मैं आपसे बात करूं क्या उसका सरकार, अगर आप कुछ पैसों की जरूरत हो तो। अच्छा, मेरे पे तंजबाजी कर रहा है? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब मुझ पर इतना कर्जा है तो अगर मैं थोड़ा सा कर्जा आपके लिए ले लूँगा तो इसमें क्या होगी? जी सर, कितना ख्याल है? 50,000 चाहिए मेरे को। आदमी को अपने औकात से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ए बात सुन, क्या टाइम क्या हो बेटा? टाइम वो 1 बजे। मेरी घड़ी ख्याल को दिखाने लगा। हाँ भैया, कितनी की बेटा ये घड़ी? ये 3,500। 3,500 की है? ठीक है, बिजली का बिल भी नहीं रखे ना 3,500 रुपये, इसको बेच के पूरे कर लूँगा। दबाओ यहाँ के। हाँ बेटा, नौकरों के मुंह लगते हो, खाना खाओ आराम से। हाँ खा रहे खा रहे। अब्बा, अब वो कितनी बार जाए कि इतना खाना मत खाया करे, चम्मच से लिया करे ना। अच्छा, तुम दोनों माँ बेटी काय को मेरे पीछे लगे रहते हो? अल्लाह ताला ने मेरे को हाथ नहीं दिया कि मैं चमचे से खाऊंगा। कल जो मेहमान आए थे वो भी इतनी बुरी नजरों से देख रहे थे। अच्छा, उनकी नजर है जैसे चाहे देखें, और मैं तो एक बात ये जानता हूँ कि आज तक कोई किसी को अच्छी नजर से देखते नहीं है। मेरी अपनी मर्जी है, मेरे अपने हाथ है, जिस तरह मर्जी आएगी खाऊंगा मैं। कोई अगर तेरे को और सोफा काटी करनी है तो कर ले। दिन में एक दफा खाना खाता हूँ, वो भी सुकून से खाने नहीं देती, खुद जलाती रहती है मेरा। अरे बात तो पूरी सुन लिया करो, मैं तो कोई और बात करने लगी। क्या बात कर रही तू? वो जो अपने पुराने पड़ोसी थे ना सरफराज भाई, तो क्या उनकी डेथ हो गई? लड़ना नहीं करे। तो फिर क्या बात है? उनका बेटा मुमताज है ना। हाँ है। कैसा है? तू तो ऐसे पूछ रही है कैसा है जैसे मेरे साथ कॉलेज में पढ़े लाया हूँ। मेरे को क्या पता कैसा है, लेकिन सरफराज है ना अच्छा आदमी। उनका जो लड़का मुमताज है ना बहुत अच्छा लड़का है, उसकी ज्वेलरी की दुकान है अभी। मेरे अल्लाह, तू कहीं मेरे हिसाब में जाके वहाँ से उधार ज्वेलरी तो नहीं लेके आ गई है? मेरा लड़का जिंदा है, मेरे को उधार लेने की जरूरत क्या है? चढ़ाओ मेरे को, चढ़ा चढ़ा के पैसे पैसे खर्चे करवाओ मेरे। हाँ क्या बोल रही थी? बोल, उनके घर वाले ना वो हमारे जुलेखों को देखने आए। अच्छा, जुलेखों को देखने आएंगे तो जुलेखा कोई फिल्म है क्या? ज्यादा अनजान बनने की जरूरत नहीं है, तेरे को पता तू एक जवान लड़की के अब्बा हो। अच्छा, तो जवान बेटे का बाप होना कोई बुरी बात है क्या? मेरी बात तो पूरी सुन लो, देखने आ रहे हैं ना हमारी जुलेखा को। अच्छा, कब आ रहे हैं? कल शाम को आएंगे। तो ठीक है, आने दो, तेरे को कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। नहीं बीच में आएगा टाइट नहीं करना, समझी? मैं खुद ठोक बजा के देखूंगा, रिश्ता मेरे समझ में आएगा, उसके बाद आया नहीं करूंगा जो भी। वालेकुम सलाम, जन्नतुल मुकाम दोज़ख हराम, कैसा है तू? क्या बात है, बहुत देर से ऑफिस से आ रहा है, बहुत मस्ती है, क्या बात है? 3 घंटे से मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ कि तू आएगा तो मैं तेरे से एक इम्पोर्टेंट गुफ्तगु करूंगा। तू है कौन? को देर से आता है वो ऑफिस से, खैरियत का बच्चा? अगर ये तो शुक्र है कि मैं हूँ, अगर मेरी जगह तेरी बीवी होती ना तो वो तेरे से ऐसे सवाल करती जैसे पुलिस वाला मुजरिम से करता है। खैरियत तो है मुजर अंकल? मैं तो खैरियत से हूँ। लेकिन बेटा तेरी खैरियत नहीं है, भेजा भेजा तेरे माँ बाप आए थे। मेरी खैरियत? माँ बाप? हाँ, तेरे माँ बाप आए थे, बहुत गुस्से में थी तेरी फैमिली, और वो तो ऐसा बोल रहे थे कि इसको जायदाद से फैदाद कर दे। भेजा भेजा, आराम से बैठ, बैठ के बात कर। मेरे माँ बाप? लेकिन क्यों? फड्डा हो गया फड्डा। ये मेरे दोस्त हैं फैसल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है तुम्हारा? फैसल जी, फैसल ज्यादा फेरी हो ना मेरे से, मैं डिस्टेंस रखता हूँ मेरे आदमी से, समझे? तेरी फैमिली किधर है? जनाब मेरी अभी शादी नहीं हुई। तो करो शादी, करो जरूरी है भाई। देखो एक फैमिली से मिलने आए हो तो फैमिली होना जरूरी है, मेरा ये उसूल है, प्रिंसिपल है, हेड मास्टर भी है, प्रिंसिपल भी है, कि जो फैमिली वाले से मिलने आया उसकी फैमिली होना बहुत जरूरी है, समझे? अभी तो मैं माफ कर देता हूँ, इसलिए कि इसकी फैमिली भी नहीं है तो तेरी फैमिली भी नहीं है, लेकिन जब इसकी फैमिली आ जाए तो तेरी फैमिली आना बहुत जरूरी है। इसकी मतलब जब भी मैं इससे मिलने आऊँगा तो शादी के बगैर कभी नहीं आऊँगा। कॉमेडी करता है छोकरा, कॉमेडी करता है, मार काट दूंगा तेरे ज्यादा मस्ती करेगा तो, समझे? फैमिली के साथ बात सुन, शादी के बाद तो तू इससे मिल ही नहीं सकता, तेरे को फुर्सत ही नहीं मिलेगी। आप कुछ कह रहे थे? हाँ बेटा, मैं तेरे को ये समझा रहा था, तू बहुत नुकसान में आने वाला है,
तेरे माँ बाप बहुत गुस्से में थे, तेरी माँ कितने ऐसे ऐसे डायलॉग बोल के गई है। तेरी माँ मुझसे बोल रही थी, मंजूर भाई ऐसी औलाद जो है ना फरमान औलाद से तो औलाद का नहीं होना बेहतर है। मैंने बहुत समझाया, मैं बोला बहन आपका छोकरा है, बोले कुछ नहीं, बहुत नाराज थे वो। और क्या कह रहे थे मम्मी डैडी? और कह रहे थे कि हमारा छोकरा इतना मासूम है, इतना बोला जी चाहता है उसका मुंह कुचल दे। क्या बोला थे? तारीफ कर रहे थे उधर। ये मैं तेरे को बोल रहा हूँ, बहुत गुस्सा करके गए हैं वो, और ये असल गुस्से का जो प्रॉब्लम है ना, ये नाराजगी है, ये जो तूने हरकत की है, बहुत गुस्से में थे। अभी तू बोलेगा मैं उनको मना लूंगा। हाँ, वो तो मैं मना ही लूंगा। तो सारे बच्चे लोग ये बोलते हैं माँ बाप को मना लूंगा, लेकिन वो ऐसे नहीं मानेंगे। मैं जानता हूँ ना, तू एक काम कर, असल फद्दा जो है ना तेरी बाइडी का है। बाइडी? हाँ बाइक। अरे यार बाइडी का मतलब होता है बीवी। हाँ असल फद्दा तेरी बीवी का है। तू एक काम कर, तू पहले जाके उसके साथ राजीनामा कर, सुलानामा कर। माँ बाप तो आखिर में एंड में माने जाते हैं ना। जी समझे? तो ये कर ले। मैं कर लूँ, मैं जा रहा हूँ। अच्छा समझे? और है ना आइंदा इधर शादी करके आना फैमिली लेके। हंसता का कोई छोकरे और छोकरी में आजकल फर्क ही नहीं रहा। भाई ठीक कर, इसके तो एक चिट्ठे के बाल अच्छे हैं। मैं जाता हूँ। वालेकुम असलाम, कैसी हो भाई तुम? बहुत दिन के बाद आई, तुम्हारा वो सर फिरेला शोर कैसा है? वही तो बता रही थी, आज भी वो दुकान पर गए। अच्छा अच्छा, आपकी तारीफ? जी मेरी? अगर कोई तारीफ नहीं है तो हम कर देते हैं आपकी तारीफ। क्या है? ये लोग रिश्ते के लिए आए। हाँ तो रिश्ता तो बहुत जरूरी है, रिश्ता होना चाहिए। मुझे तो ये रिश्ता शुरू से ही बहुत पसंद है। मेरे को भी पसंद है। जी इसका मतलब है कि आपका लड़का इनको बहुत पसंद है। किधर से पसंद है? खाली पीली बात करती है पसंद है। अभी मैंने छोकरे को देखा नहीं है, बोलती है कि पसंद है। तो आखिर कब तक देखेंगे आप? जब तक हमारा दिल चाहेगा हम लोग देखेंगे। क्या जी? अरे मेरा मतलब है मैंने छोकरे को नहीं देखा है, ये जुलेखा की माँ ने देखा है। बोलती क्या करनी है तू? लड़का मेरे को तो बहुत पसंद है। तो इसका मतलब है कि हम आपकी तरफ से हाथ समझें? मेरा नाम मंजूर है, आपने अपना तल्लुक नहीं कराया अभी तक। जी ये मेरी नंद है, सामाजिक कारकुन है। टाइम ना मिलने की वजह से अभी तक गैर शादीशुदा है। मुबारक हो जी। मेरा मतलब ये कि देखो शादी और मौत जो है ना, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। कभी भी आ सकती है। तो फिर हम रद्द करने कब तक आ जाए? जब तक आपका दिल चाहे। अरे खाने पीने दिल चाहे, मैंने छोकरे को देखा नहीं है, मैं उसको फाइनल करूंगा। जब तक मैं खुद फाइनल नहीं करूंगा कोई फाइनल नहीं कर सकता। कैसे तू बोल रही है? अभी तो आपने हाँ कहा है मंजूर भाई। तो मैंने तो ऐसी बेखुदी में हाँ बोल दिया था। जब मैं अकेला होता हूँ तो बेखुदी में मेरे मुँह से हाँ निकल जाता है। तो बात में तो आप हाँ करेंगे, बेखुदी में करेंगे या होशो हवास में? ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि मैं हाँ करता हूँ या ना, जो भी है हाजिर आपको बता देगी। लेकिन अगर इन्होंने ना कर दी तो? ये ना कर ही नहीं सकती, इसने मेरी गैर मौजूदगी में मेरे लिए हाँ कर दी थी। चलिए ठीक है, हम इंतजार कर लेंगे, अब इजाजत दीजिए। वो जल्दी में हो सरबराज की दुकान पे बैठो ना, आप भी बैठे न। रात का खाना खाके जाना, तो अगर रात का खाना खाओगे तो अपने घर में कैद थोड़ी पड़ जाएगा। जी नहीं शुक्रिया। अच्छा आप ठीक कह रहे हैं, लोग रात का खाना खा के जाएंगे। अच्छा इजाजत दी। मैंने एक लगन पूछा था। खुदा हाफिज़। वो खुदा हाफिज़। आना हो मेरी बच्ची। जुलेखा, मैं जो कुछ लिख रहा हूँ उसे पढ़कर उम्मीद करता हूँ कि आप नाराज़ नहीं होंगी। दरअसल कई दिनों से कोशिश कर रहा था कि आपको सब कुछ बता दूँ, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती थी, और दूसरी बात यह है कि मौका भी नहीं मिल रहा था। आज हिम्मत कर ली है। जुलेखा दरअसल आपके अब्बा से मकान किराए पर हासिल करने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा कि मैं शादीशुदा हूँ, जबकि मेरी शादी का अभी दूर दूर तक पता नहीं है। आपकी सादगी और खूबसूरती देखने के बाद
मैंने ये फैसला कर लिया है कि आपको सब कुछ बता दूंगा। हालांकि मुझे इसमें आपकी अम्मी अब्बा के हाथों बेइज्जत होने के पूरे पूरे चांस हैं, लेकिन आपको पाने के लिए मुझे इस रुसवाई से गुजरना पड़ा तो गुजर जाऊंगा, इस उम्मीद पर कि आप मुझे माफ करके मेरे इस प्रॉब्लम पर गौर जरूर करेंगी। फकत आपका किराएदार गैर शादीशुदा जमाल। अम्मा, किराएदार ने पर्चे में क्या लिखा है? बेटा कुछ भी नहीं लिखा, उसने बोला जब तक मेरी घरवाली नहीं आ जाती ना, जब तक अगर घर का खाना मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, तो उसने कहा खाने के पैसे भी मैं मकान के किराए में दे दिया करूँगा। तो ये बात तो वो अब्बा से भी कर सकता था। तेरा अब्बा उल्टी खोपड़ी का, उसने सोचा मालिक मकान को कहीं गुस्सा नहीं आ जावे, तो इसीलिए उसने सोचा तेरे को रुके में लिख दूँ।